नमस्कार, मैं गौरव एडविंग्स करनाल ब्रांच से। आज हम कुछ डिस्कस करेंगे इमिग्रेशन प्रोसेस पे। तो लोग आजकल जो इलीगल वेज चूज कर रहे हैं बाहर जाने के लिए, उनको अवेयरनेस नहीं है क्या करना है, क्या डिसीजन लेना है, उन्होंने किस कंट्री को चूज करें, क्या करना है। तो आज इस चीज पे हम डिस्कस करेंगे। आज हमारे साथ हैं मिस्टर दिगिश नारंग, MD ऑफ एडविंग्स ग्लोबल। मिस्टर दिगिश, कैसे हैं आप? बहुत बढ़िया, थैंक यू इस प्रोग्राम में बुलाने के लिए। थैंक यू। आज बस आपके साथ इसलिए बैठे हैं कि आज बच्चों को अवेयरनेस नहीं है कि बाहर जाने के लिए उनको क्या करना है, कैसे करना है। आजकल जो भी मार्केट में रूमर्स हैं, कनाडा में काम नहीं है, लोग इसलिए कनाडा नहीं जाना पसंद कर रहे हैं। मार्केट में जो भी इलीगल वेज या जो भी XYZ एजेंट जो बैठे हैं, वो क्या लोगों को मिस गाइडेंस दे रहे हैं, और इंस्टाग्राम सोशल मीडिया पे जो रूमर्स फैले हुए हैं, मिथ हैं कि ये सब कंट्री ऐसे लाइक वैसे, इस चीज़ पर आप क्या कहना चाहेंगे? पहले राम राम सब भाई सबको। जो आपने मुद्दा उठाया है कि जितना भी स्टूडेंट है, जितना भी यूथ है जो हरियाणा में है या पंजाब में है या हमारे इस वाली लोकेशन वाली नॉर्थ इंडिया वाली साइड में है, वो आज की डेट में हर यूथ का एक सपना है कि मैं बाहर जाना चाहता हूँ। बाहर जाना चाहता हूँ मैं, कि वो एक बड़ी गाड़ी, एक बड़ा बंगला, एक बड़ा सपना पूरा करना चाहता हूँ। जो मुझे लगता है कि हमारे को परमात्मा ने एक जिंदगी दी, और हर बच्चे का ये जो सपना है, जो सपना सोचने का, कोई इसमें गलत अप्रोच नहीं है, उसको बाहर जाना चाहिए। लेकिन हमें समझना पड़ेगा कि जो बाहर जाने का सपना है हमें पूरा कैसे करना है। उसका जो बेस है, उसकी जो नींव है, वो लीगल वे से होनी चाहिए या इलीगल वे से। आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? मतलब आजकल बच्चे इलीगल वेज को ज़्यादा चूज कर रहे हैं, इवन उनकी जो एकेडमिक्स हैं बहुत स्ट्रॉन्ग हैं, ISPT अच्छा है, फिर भी लोग इलीगल जाना क्यों पसंद करते हैं? इस चीज़ पे आप क्या कहना पसंद करते हैं? देखिए गौरव जी, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहता हूँ यहाँ पे, कि जो आपने ये मुद्दा उठाया है कि इलीगल जाने का जो तरीका है, इसके बहुत सारे नाम हैं। आजकल तो बॉलीवुड में मूवीज भी बनने लगी हैं इसके ऊपर। ये जो आज की डेट में हमें समझना पड़ेगा, जो यूथ है वो सारा दिन फ़ोन पे है, और फ़ोन पे क्या है, बहुत सारी पेड एडवर्टाइजमेंट्स। आज आप किसी भी चीज़ की एक एडवर्टाइजमेंट करना चाहते हो, मान लो आप यू नो कोई भी एक ब्रांड ले लो, साबुन का ले लो, सर्फ का ले लो, मैं तो बाहर जाने की बात ही नहीं करता। अगर आप उसके ऊपर 50,000 रुपये का बजट लगा के, एक लोकेशन लगा के कि मेरी ये लोकेशन करनाल मैंने पिन पॉइंट कर दी है, मैंने लाडवा पिन पॉइंट कर दी, वहाँ पे आप चलाओगे, तो आपको समझना पड़ेगा ये यूथ सारा दिन फ्री बैठा है, वो सारा दिन अपने फ़ोन पे बैठा है। उस लोकेशन की वजह से वो प्लेटफॉर्म, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक तो चलो इंडिया में बैन हो गया, इन प्लेटफॉर्म्स की वजह से वो जो यूथ है, या तो वो अपना एक लाइफ का डिसीजन बना। आप ये कहना चाह रहे हैं आजकल इंस्टाग्राम या जो भी सोशल साइट्स हैं, इन्होंने बच्चों के मतलब माइंड को बिल्कुल डाइवर्ट कर दिया है कि वो एक अपना पाथ चूज करने को मतलब है ही नहीं कि वो क्या चूज करें क्या ना करें। बिल्कुल, क्योंकि बच्चों ने सरेंडर कर दिया है। अगर आप मेरा वर्ड यूज करोगे तो मैं आपको बोल रहा हूँ बच्चों ने सरेंडर कर दिया है। सरेंडर कैसे कर दिया? बच्चे बिल्कुल भी आज की डेट में, देखिए आप अपनी जनरेशन, हम अपनी जनरेशन की बात करें, हम अपने माँ बाप को देखें, अगर हम अपने पिताजी को देखते हैं, अपने माता जी को देखते हैं, तो उन्होंने अभी अपनी ज़िंदगी में स्ट्रगल कर, चाहे वो खेती कर रहे हैं, चाहे वो कोई दुकान कर रहे हैं, एक टाइम आया था 3-4-5 साल का उनकी ज़िंदगी में जहाँ पे उन्होंने बहुत मेहनत करी, दिन रात एक करा। अब आज की डेट में क्या यूथ को फ़ोन पे, फेसबुक पे दिखता है कि नहीं यार मैं तो यहां से यहां पहुंच जाऊंगा इतने पैसे दे के? वो ये नहीं देखता कि ये पैसे कैसे दिए जा रहे हैं, ये पैसे क्यों दिए जा रहे हैं, किस बेस पे वो जा रहा है। आपको समझना पड़ेगा कि जब एक कंट्री के अंदर कोई आता है, आज हम अपने घर में किसी को बुलाते हैं, हमारे घर में कोई गेट टाप के आ गया, या हमारे घर में हमने दरवाजा खोला, किसी को बुलाया, उसका स्वागत करा, इन दोनों चीजों में बहुत बड़ा फर्क। अब ये मैं आपको कंप्लीट करता हूँ, ये यहाँ नहीं समझ में लगेगी, क्योंकि बाहर से तो घर दिखता है, ये एक है, बाहर से तो ऐसा लग रहा है कि दोनों अंदर पहुंच गए, लेकिन अंदर जाके आप देखोगे तो इन दोनों में बहुत फर्क है। कि आपको बुलाया जा रहा है, आपका स्वागत किया जा रहा है, या आप उस कंट्री के अंदर या उस घर के अंदर जबरदस्ती घुसे हैं। अब जबरदस्ती घुस तो गए हैं, ठीक है, लेकिन क्योंकि हम एक कंट्री की बात कर रहे हैं, हम सिक्योर्ड बॉर्डर्स की बात कर रहे हैं, बॉर्डर एजेंसीज हैं, सिक्योरिटी एजेंसीज हैं, तो हमें समझ में लग गया कि हम अंदर आ गए लेकिन अब हम वापस बाहर नहीं जा सकते। तो ऐसे केसेस के अंदर हम बहुत सारे क्लाइंट्स देखते आ रहे हैं, खासकर ये क्लाइंट्स, मैं आज के बच्चों की बात नहीं कर रहा, हमारे ऐसे कुछ क्लाइंट्स हैं जिनका जब हम US या कनाडा जाते हैं, जब हमें वो मिलते हैं, वो कहते हैं हमें 10-10, 16-16 साल हो गए अपने परिवार को मिले, कोई परिवार में गुजर गया, कोई खुशी आई, कोई गम आया, हम वो परिवार में जा नहीं पाए, हमें लगता है कि हम परिवार में पैदा ही नहीं हुए। बट आज के टाइम पे
पेरेंट्स अगर देखें, पेरेंट्स का व्यूज देखें, वो बच्चों को इलीगल वेज में बेच के खुश नहीं है, क्योंकि उनको पता है कि मेरा बच्चा अगर चला गया तो वो वापस नहीं आ पाए। बिल्कुल। बट बच्चों की जिद के आगे, बच्चे गलत वे जो चूज कर रहे हैं उनके आगे पेरेंट्स तो देखो उनकी खुशी के लिए करेंगे, बट आप थोड़ा सा इस माध्यम से बताओ बच्चों को कि आप गलत वे मत चूज करो। मैं आपको यही बताना चाहता हूँ कि जो ये मैं बात दोबारा आपको कर रहा हूँ कि जो फोन पे दिखता है या जो दिखता है वो बिकता है, वैसे ही अगर आप देखोगे आजकल एक इंस्टाग्राम की रील को देख लो जिसपे उन्होंने बना दिया कि जी हम यहाँ पहुंच गए और वो वीडियो बना रहे हैं, वो वीडियो पहुंचने तक तो बना दी, क्या वो पहुंचने के बाद साल, दो साल, तीन साल, चार साल, दस साल के बाद कभी वीडियो आई उन बच्चों की? आज की डेट में आप वो लोगों को देखो जो आज से 10 साल 15 साल पहले इलीगल गए थे, क्या आज वो वीडियो बना रहे हैं? वो बना ही नहीं सकते वीडियो। उसका कारण क्या है? आप इलीगल गए, मैं लीगल गया, हमारे 2 साल 4 साल 10 साल निकले, मैंने इतनी देर में लीगल जाके वहां पे 2 घर बना लिए, 2 बिजनेसेस खरीद लिए, आप वहां पे सिर्फ लेबर जॉब कर रहे हो, पहले भी 2-2.5 लाख कमा रहे थे, आज भी 2-2.5 लाख कमा रहे हो, उल्टा लेबर महंगी, लेबर डिफिकल्ट होगी क्योंकि और लोग भी आ रहे हैं लीगल, तो आप सिर्फ वो पैसा घर भेज पाए, लेकिन जो मैंने पैसा कमाया मैंने उस पैसे को 4 गुना करा 5 गुना करा, आज अपना सेटअप बना लिया। उसी बेस पे बहुत सारे आपके रिश्तेदार लोग या आपने अपने गांव के लोग देखे होंगे जिन्होंने गांव के शहर के शहर, गांव के गांव और अपने कितने रिश्तेदार को वहां बुला के बसा लिया। अगर हम गुजरात कम्युनिटी को देखें तो गुजरात कम्युनिटी में ऐसा ही हुआ, एक एक गुजराती ने वहां पे 10-10 100 पेट्रोल पंप, 100-100 सब्वे तक बना लिया। मैं जब फिगर 100 सब्वे की बात कर रहा हूं तो ये रियलिटी है, लेकिन आज की डेट में हमारा यूथ क्या कर रहा है? वो सिर्फ एक इंस्टाग्राम की रील का शिकार है। तो अगर आप बात जेन्युइन और इनजेन्युइन वे की बात करते हैं तो हमें समझना पड़ेगा जेन्युइन वे ही सबसे बढ़िया तरीका है जाने का। अब डिफरेंस ये है कि बच्चों को आज की डेट में ये नहीं पता है कि क्या हम जेन्युइनली जा सकते हैं या नहीं जा सकते। अगर आपके पास जेन्युइन वे है, आप एडोविंग्स में आके जेन्युइन तरीका अगर समझना चाहते हैं, जेन्युइन तरीके में क्या होता है? पेशेंस होता है। अब मैं आपको एग्जाम्पल देता हूँ, हम गाँव में, गाँव में तकरीबन गाँव वाले खेती बाड़ी करते हैं, अब आज हम बीज डालते हैं, उसके ऊपर खाद पानी डालते हैं, तो हम एक इंतजार करते हैं 4 महीने 6 महीने का कि वो फसल का फसल आएगी, उसके बाद हम उसको उठा के जैसे भी जहां पे भी हम गिराते हैं फसल को, उसके बाद हमारी पेमेंट आती है और ये हम जिंदगी, पूरी जिंदगी इस पर्टिकुलर सर्कल के साथ जिंदगी निकालते हैं। बट बच्चे नहीं समझते ना आजकल पेरेंट्स के स्ट्रगल क्या है। आजकल आप जैसे बोला कि बच्चे सोशल मीडिया पे जो लोग वीडियो डालते हैं या कोई इलीगल वे से गया जिसको डोंकी बोलते हैं आज की डेट में, बट आप ये चीज देखो, उन्होंने वो वीडियो सिर्फ जाते हुए की दिखाई है कि हमने कैसे ट्रेवल किया, बट उसके बीच का स्ट्रगल कोई नहीं दिखाता, उसने क्या फेस किया, कैसे गया, किसको क्या इंजरी हुई, क्या हुआ उसके साथ, रास्ते में क्या हुआ। बट जो दुनिया में दिखता है वो ये बोलते हैं कि हाँ जी हम सेफली लैंड हो गए, बट बीच का स्ट्रगल कोई नहीं दिखाता उसको। वो आपको क्यों स्ट्रगल दिखाएंगे? आपने बहुत ज्यादा पैसे देखे, आज कोई चीज खरीदी या कोई कुछ ऐसा ऐसा स्ट्रगल प्लान किया, तो आप स्ट्रगल क्यों दिखाएंगे? आप ये दिखाएंगे अपने घरवाली को, परिवार वालों को कि मैं पहुंच गया। मेरा क्वेश्चन यहाँ पे गौरव जी, मैं कहता हूँ आप परमात्मा करे, भगवान करे कि आप सही सलामत पहुंचे, आप सही सलामत पहुंच भी जाते हैं बच्चे वहां पे या लोग पहुंच जाते हैं, उसके बाद की क्या जिंदगी? आप 15-15 साल, जिंदगी का एक तिहाई हिस्सा होता है 15 साल, 15-15 साल आप अपने परिवार के बिना, आप अपने जिन्होंने आपको बचपन से पाला, चाहे माँ बाप आज की डेट में ये सोचते हैं कि हमारा बच्चा किसी एक जगह पे चला जाए, उसकी सेटिंग हो जाए, लेकिन ऐसा नहीं है, माँ बाप याद नहीं करते। आप पूछ के देखिए जिनके बच्चे डंकी पे या ऐसी लोकेशन पे गए हुए हैं जो इलीगल हैं, जो मिल नहीं सकते अपने माँ बाप, माँ बाप यहाँ से जा नहीं सकते, बच्चे मिल नहीं सकते, ये अंदर से उनकी माँ से पूछेगी उनकी क्या हाल है। तो अभी ये जो हम बुद्धा और ये जो डिस्कशन कर रहे हैं वो ये कर रहे हैं कि आज की डेट में एजेंट्स उनको और ऑप्शन देते नहीं, क्योंकि ये आसान ऑप्शन है, इसमें एजेंट्स को पैसा ज्यादा बनता है। जब किसी भी जगह एजेंट्स को पैसा ज्यादा बनेगा तो कोई आपको सस्ती या एक सही चीज क्यों देगा जिसके अंदर मेहनत करनी पड़ेगी, बच्चे को समझाना पड़ेगा कि मेहनत करके तू जा सके। तो ये जो सारा कंपोनेंट है, जो सारा सर्कल है, ये एक ही चीज पे घुसा हुआ है कि मैं वीडियो में क्या देख रहा हूँ। कि एक बच्चा वीडियो में देख रहा है, उसने देखा कि वो पहुंच गया, उसने उसकी आगे की 5-10 साल की जिंदगी नहीं देखी, क्योंकि बच्चा है, अभी समझ कम है, कच्ची मिट्टी है, तो उसको समझ नहीं लगी कि क्या करना चाहिए। उसने वो वीडियो देखी, वो आपके पास आया, उसने जिद करी माँ बाप को, आपने जमीन का टुकड़ा उठाया, बेच दिया या आड़तियों से पैसा उठाया, और उसको बच्चे को उस पर्टिकुलर स्क्रीन पे या उस पर्टिकुलर पाथ पे किसी भी एजेंट के साथ बैठा के भेज दिया। यही अगर आप बच्चे को थोड़ा सा एडवाइस कर लो
कि बेटा आज की डेट में पैसे तो लग ही रहे हैं, लेकिन ये पैसा अगर हम वहां लगाएं जहां पे इसकी रिटर्न भी आ, जहां पे तेरे को कोई एक लीगल स्टेटस भी मिले उस कंट्री में, बैठने का, पढ़ने का, कुछ खरीदने का, अगर तूने कुछ पैसे जोड़ लिए हैं तो घर खरीद सकता है, बिजनेस खरीद सकता है। तो अगर ऐसा वाला फॉर्मेट मिल जाए तो कहीं ना कहीं मुझे लगता है कि पेरेंट्स और बच्चे ये चीजों को समझेंगे। अब एक चीज आप ये बताएं, जो कनाडा के बारे में आजकल रूमर्स फैले हुए हैं, मिथ है कि काम नहीं है, इस बारे में आप क्या कहना चाहते हैं? देखिए मैं आपको ये चीज बताऊंगा कि कनाडा के बारे में अगर आप सुनेंगे तो आपने ज्यादातर पंजाबी लोगों को देखा होगा ऐसे वीडियो बनाते, आपने बहुत कम गुजरातियों को देखा ऐसा वीडियो बनाते, या बहुत कम किसी कोई फिलीपींस, क्योंकि कनाडा के अंदर इट्स अ लैंड ऑफ इमिग्रेंट्स, 90 कंट्रीज से लोग कनाडा के अंदर आते। आपने कभी फिलीपींस या वियतनाम वालों को बहुत कम देखा होगा। उसका कारण क्या है? क्योंकि पंजाबी जो स्टूडेंट है वो एक ही जगह पे जाके इकट्ठे होते। अब एक ही लोकेशन के अंदर अगर बहुत सारा 1.5 लाख स्टूडेंट एक साल में आ रहा है, वहां पे रहने की भी दिक्कत होगी, वो आपके करनाल में आ जाए या आज दिल्ली में आ जाए, तो आपको समझना पड़ेगा कि वहां पे उस किसी भी एक पर्टिकुलर लोकेशन पे, जो छोटी सी लोकेशन है, मैं जब छोटी बात कर रहा हूँ, एक सिटी है ब्रैम्पटन, एक सिटी है सरी, आपने नाम सुना होगा, अगर इन लोकेशन के ऊपर 1.5-2 लाख बच्चा आ रहा है पिछले 4-5 साल से, तो बड़ी ऑब्वियस सी बात है कि रहने की किल्लत आएगी, काम की प्रॉब्लम होगी। लेकिन अदरवाइज बहुत सारी कैनेडा इस टाइम पे इंडिया के अंदर जितना लैंड एरिया लिवेबल है, कैनेडा के अंदर 3 गुना एरिया है। इंडिया की पॉपुलेशन 140 करोड़ है, जबकि कनाडा की पॉपुलेशन अगर आप देखोगे तो हार्डली 4-4.5 करोड़ है। तो इतने बड़े एरिया के अंदर बाकी लोग कहाँ हैं? तो जो मेजर कंसंट्रेशन है वो इन एरियाज के अंदर है। इन एरियाज में इसीलिए रहना महंगा है, काम कम है, और बच्चा जो है वो ये सोच के आ जाता है कि मैं अपनी दूसरी साल की फीस निकाल लूंगा। बहुत सारी ऐसी लोकेशंस हैं आज की डेट में कनाडा के अंदर, जैसे मैं आपको एग्जांपल देता हूँ, क्यूबेक है। क्यूबेक में पढ़ाई बहुत सस्ती, अगर कोई भी लीगल वे से जाना चाहता है 5.5 बैंड के ऊपर, एक साल की फीस हार्डली 5-6 लाख रुपए पड़ती है। इस पर्टिकुलर अमाउंट के अंदर वो बच्चा लीगली वहां जाके पढ़ सकता है, और उसके बाद वर्क परमिट भी ले सकता है, उसके बाद अपनी पीआर की प्लानिंग भी कर सकता है, और इन लोकेशंस के ऊपर काम भी बहुत ज्यादा। तो पीआर प्रोसेस की बात करें क्यूबेक में, कितना प्रोसेस है, लेंथी प्रोसेस है पीआर के लिए क्यूबेक में? देखिए इसके अंदर क्या है कि बहुत सारी चीजें ऐसी हैं कि अगर आप टेक्निकली समझ जाएं और आप प्लानिंग से चलें, तो ऐसे प्रोग्राम्स भी हैं कि आप 20 महीने का प्रोग्राम करते सीधा पीआर अप्लाई कर सकते हैं। बट आपको थोड़ा समझना पड़ेगा क्या प्रोसेस है, क्या प्रोसीजर है, ये डिटेलिंग है। ऐसे प्रोसेस प्रोसीजर्स के लिए हम सारे स्टूडेंट्स और पेरेंट्स को एडवाइस करते हैं, आप चाहे अपने बच्चे को जो मर्जी बात बताइए, आपको बच्चे को यूएस भेजिए, यूके भेजिए, लेकिन एक बार अगर आप कोई आज गाड़ी खरीदते हैं 10-20 लाख की, कोई मोटरसाइकिल खरीदते हैं, कोई जमीन खरीदते हैं, आप 2-4, 10-20, 50 लोगों से बात करते हैं, उसमें आपका बच्चा इन्वॉल्व है, बच्चों के सपने इन्वॉल्व है, आपके खुद के सपने इन्वॉल्व है, 40-50-30 लाख की इन्वेस्टमेंट इन्वॉल्व है, अगर आप कोई भी इलीगल वे ढूंढते हैं, तो क्यों नहीं आप किसी एक अच्छी कंसल्टेंसी के पास जाके जो 15 सालों से काम कर रही है, जब से आपका बच्चा स्कूल जाना नहीं शुरू करा था तब से वो बच्चे भेज रहे हैं बाहर, तो ऐसी एजेंसी के पास क्यों जाके टेबल पे एक सलाह नहीं लेते? एक आधा घंटा घंटा जाना और सलाह लेना से आपके बच्चे की जिंदगी अगर का फर्क पड़ सकता है, वो लीगल हो सकता है, उसके पास पासपोर्ट आ सकता है उस कंट्री का, जहां आप ये सोचते हैं कि बच्चा एंटर कर पाएगा नहीं कर पाएगा, वो उस कंट्री के अंदर जाके वोट कर सकता है। बट ये आज के टाइम पे देखिए जी, शुरू से बोलते आए हैं कि लोग झूठ को जल्दी पकड़ते हैं, मतलब झूठ पे जल्दी विश्वास करते हैं, सच पे कोई बहुत कम लोग विश्वास करते हैं, तो इस चीज पे क्या बोलेंगे? क्योंकि आजकल जो भी मार्केट में एजेंट है सब झूठ पे है, टोटली झूठ है, क्या हो जाएगा, आपकी बच्चे की प्रोफाइल बनती है, उस जो क्रिटेरिया है उनका उससे मैच करती है कनाडा के वीज़ा के लिए, बट बच्चे एजेंट सब झूठ बोलते हैं, तो इस चीज़ पे क्या बोलेंगे कि मतलब क्यों बच्चे की लाइफ के साथ खिलवाड़ करना किसी के साथ भी? देखिए यहाँ पे ही एक जो मैं आपको गौरव जी बात बोलूँगा कि एक तो ट्रैक देखा जाता है, आज किसी कंपनी के साथ टाटा का नाम जुड़ जाता है तो बैंक आपको लोन देने लग जाता है, अच्छा इसके पास टाटा की डीएनए है या इसके पास, अगर आप 15 साल पुरानी कंपनी के साथ आके 1 घंटे की काउंसलिंग नहीं ले सकते, जिसके बेस पे आपको पूरे अपने बच्चे की जिंदगी की प्लानिंग करनी है, तो मुझे लगता है कि फिर कहीं ना कहीं ये पेरेंट्स को समझना पड़ेगा, या उनके पास अवेयरनेस नहीं है। और यही ये टॉक शोज का माध्यम है जहां पे हम ये बताना चाहते हैं कि अगर आपको दिखता है कि आपको यहां लोकल बच्चे को बीसीए बीकॉम करा के तब भी कोई नौकरी नहीं, उसके बाद बच्चे एमबीए एमकॉम कर लेते हैं, बीएड एमएड कर लेते हैं, तब भी कोई नौकरी नहीं,
20-30 lakh रुपए की इन्वेस्टमेंट करके भी बच्चा दुकान खोल लेता है लेकिन दुकान चलती नहीं है, दो तीन चार साल बाद बच्चा परेशान होता है, वो पूछता है कि अब मैं क्या करूं। तो अगर ऐसी सिचुएशन है तो बच्चे का टाइम ना खराब कीजिए, आप ऐसी काउंसलिंग्स लीजिए, आइए हमारे से बात कीजिए और हमारे काउंसलर्स को मिलिए, आपको आके मिले बच्चे, और आप जो भी प्रोडक्ट्स हमारे पास हैं, हम जो लेजिटिमेट वे में बच्चे के लिए कर सकते हैं, जो ऑप्शंस हैं वो आप डिस्कस कीजिए। और इसमें आपको समझना पड़ेगा कि कोई भी बाहर की कंट्री कोई खदान नहीं है कि आज आप लैंड कर गए तो आज आपने पैसे खोदने शुरू कर दिए। आप उस कंट्री में जा रहे हैं जहां पे आपको खुद कुछ नहीं पता, आपके पास नॉलेज नहीं है, आपके बच्चे के पास स्किल नहीं है, तो आप कहीं ना कहीं, आज की मैं बड़ी छोटी एग्जांपल देता हूं, कल मैं किसी पेरेंट्स के साथ बैठा हुआ था, उन्होंने बोला यार मैंने अपने बेटे को फैक्ट्री खुलवानी, वो कहला तेरे को काम तो आता नहीं है, तू एक काम कर, वो हमारे भाई साहब के पास जाके 2 साल काम कर या 6 महीने काम कर। अब वो 6 महीने काम करना क्या है, वो पैसे नहीं कमाने जा रहा भाई साहब के पास, वो सीखने जा रहा है काम कैसे किया जाए। वैसे ही उस कंट्री में जाके आपको सीखना पड़ेगा, 6-8 महीने साल लगाएगी, सीखिए उस कंट्री को, सीखिए बच्चे को, वो टाइम दीजिए सीखने का। आप इसके ऊपर 2-3 साल, वही मैंने बोला बीज के ऊपर, उसको खाद दीजिए, उसको पानी दीजिए, उसको समय दीजिए और आप देखिए कि फिर वो कैसे रंग लाएगा, वो कैसे फल उगाएगा उसके। एक चीज मैं और बोलूंगा, मार्केट में ऑस्ट्रेलिया के बारे में बहुत है कि लाइक एजेंट बहुत मिसगाइड करते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में वीजा ये वो बहुत इजी हो जाएगा, फेक सब करना, इस चीज पे क्या बोलेंगे? देखिए ऑस्ट्रेलिया आपको समझना पड़ेगा कि इस टाइम इलेक्शन है, एक इलेक्शन ईयर चल रहा है, उनका सबसे बड़ा मुद्दा इमिग्रेशन बना हुआ इलेक्शन में, जैसे ब्रिटेन में बना हुआ। आपने देखा कल रिजल्ट आया ब्रिटेन का, जो पुराने प्राइम मिनिस्टर थे वो हार गए इलेक्शन, और इमिग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा था उसमें। इसी तरीके से ऑस्ट्रेलिया के अंदर इमिग्रेशन बहुत बड़ा मुद्दा, जो कंट्री आज की डेट में सेटल नहीं है। आज आप कोई भी एक मान लीजिए काम करते हैं, आपको आपके फैक्ट्री के अंदर चाहिए नहीं वर्कर, आप कैसे घुसा लेंगे? अब एक टाइम ऐसा है कि जहां पे आपको वर्कर चाहिए, तो कनाडा के अंदर अगर आप सुनेंगे तो LMI चल रही है, आप कह रहे हैं वहां काम नहीं है, वहां की जो बिजनेसेस हैं बाहर से लोगों को बुला रहे हैं नौकरी के लिए और लोग बहुत पैसे भर रहे हैं उसके लिए। तो अगर ऐसे वाले कॉन्सेप्ट हैं तो इसका मतलब कहीं ना कहीं वहां नौकरी की जरूरत है, नौकरी वाले लोगों की जरूरत है, लेकिन स्पेसिफिक फील्ड में चाहिए। कोई नर्स बता दीजिए जो वहां फ्री बैठी हो, सड़क पे बैठी हो, उनके पास काम ना, कोई वेल्डर बता दीजिए, क्या यहाँ का बच्चा जाके थोड़ी देर एक 8 महीने का वेल्डिंग का प्रोग्राम करके वेल्डिंग नहीं सीख सकता? 30-30, $40-40 का वेज रेट है वहां पे। आप ये कहना चाह रहे हैं कि स्टूडेंट अगर स्किल्ड है, कोई भी उसने स्किल्ड किया है, he can easily get a job in Canada. Let's understand this way, every developed country in this world like Australia, Canada, UK, Germany, France, एक अपनी लिस्ट निकालती है हमारी लेबर शॉर्टेजेस की, आने वाले अगले साल में क्या है, 2 साल में क्या है, 3 साल। कनाडा ने जैसे एक लिस्ट निकाली है कि हमें 33,000 केयर गिवर हेल्थ वर्कर्स चाहिए, तो आपको समझना पड़ेगा वो 33,000 वर्कर में आपका नाम हो सकता है जिसके बेस पे आपको नौकरी PR मिल सकती है। ऐसे ही उनको बहुत सारे कंस्ट्रक्शन वर्कर्स चाहिए, बहुत सारी इंडस्ट्री वर्कर्स चाहिए। जब इतने वर्कर्स की रिक्वायरमेंट है तो आप कोई और जनरल प्रोग्राम या इलीगल वे से जाई क्यों रही, आप ये सीखने चाहिए, ये करने चाहिए, तो कहीं ना कहीं इसके अंदर बच्चे की सेटलमेंट ऑप्शंस है। चलो दिखी जी, आज आपके जो आपने नॉलेज दी है बच्चों के लिए, जो आपने रोशनी डाली है उनके पाथवेज के लिए, उनके जो बेटरमेंट के लिए आपने जो बोला है, वो बच्चों के लिए बहुत काम आएगा। थैंक यू सो मच दिखी जी, थैंक यू। आज के लिए इतना ही, होप आप सबके लिए टॉक शो आपके लिए बहुत फायदेमंद होगा, ठीक है? आप हमारे एडविंग्स में करनाल ब्रांच में विजिट कीजिए, हमारी ऑल ओवर इंडिया इंटरनेशनल ब्रांचेज भी हैं, यू कैन चेक आवर वेबसाइट। हम फिर एक दोबारा टॉक शो में बैठेंगे, आपके और भी कोई डाउट होंगे वो हम मिस्टर दिखी जी से फिर क्लियर करेंगे। थैंक यू।